नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश भर में पटवारी कानूनगो एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं अंबाला में पटवारी और कानूनगो पिछले 9 दिनों से कामकाज छोड़कर डीसी कार्यालय में हड़ताल पर बैठे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर धरना स्थल पर अपना समर्थन देने पहुंचे। रामकिशन गुर्जर ने पटवारियों की सभी मांगों को जायज बताया और साथ में उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी मांगें मानी जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व CPS रामकिशन गुर्जर ने कहा है कि भाजपा सरकार किसी भी धरना प्रदर्शन करने वाले वर्ग के बारे में नहीं सोचती है, जो कि साफ तौर पर तानाशाही रवैये को दर्शाता है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए पूर्व CPS रामकिशन गुर्जर ने कहा कि हरियाणा वासी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। सड़कों पर जनसमूह राहुल गांधी का स्वागत करने को तैयार है। हरियाणा सरकार की ओर से गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर बनाई गई कमेटी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र में ही गन्ने का दाम बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए थी। यह सरकार को बीज, दवाई, खाद और मजदूरी के बढ़ते दामों के बारे में जानकारी नहीं है, जो उन्हें कमेटी बनानी पड़ी। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या कहेंगे? जैसा कि ये बताया गया, 26 तारीख से ये लोग धरने पे बैठे हैं। आज 9वां 10वां दिन हो गया। इस ठंड के मौसम में सुबह से शाम तक ये यहाँ बैठे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इनकी बात पे गौर करना चाहिए और इनकी जायज मांग है उस मांग को मानना चाहिए। अब जैसे मैंने देखा सरकार का रवैया पिछले 8 साल का, जो इनका काम करने का तरीका, धरने पे कोई बैठ जाओ आके पूछता तक नहीं है। चाहे कई डिपार्टमेंट की बात देखी मैंने, पंचकुला में लंबे अरसे से धरने पे लोग बैठे हैं पर ये पूछते नहीं है। किसानों ने 1 साल लगातार GT रोड के ऊपर बैठे थे किसान, तब भी कोई उठाने नहीं आया था। आखिर में उनकी मांग को मानना। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पटवारी, जितने भी हरियाणा के पटवारी हैं, जो इनकी मांग है उसको जरूर मानना चाहिए। स्वागत करें, क्या रणनीति बनाई है? दूसरा चरण शुरू होगा 6 तारीख की सुबह हरियाणा में पानीपत से, और वो 10 तारीख को यहाँ पंजाब बॉर्डर पे, चंबू बॉर्डर जो है वहां पे पूरा होगा। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि तैयारी तो छोड़ दो, आपको ऐसा लगेगा कि हरियाणा में इतना उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा इतने उत्साह के साथ। लोगों में उत्साह है, जन समूह आपको सड़कों के ऊपर मिलेगा और उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। सर, एक बार फिर से पटवारी देखने को मिल रही है कि हम दर्शन कर रहे हैं आपके, वहां पे प्रदर्शन भी किया गया घर पे, और सरकार कह रही है कि अभी कमेटी बनाई है फिर दाम बढ़ाएंगे। किस बात की कमेटी? गन्ने के दाम ये मैं मान रहा हूँ, किस बात की कमेटी? क्या सरकार को पता नहीं है? आज अगर खाद की बात करें, आज अगर डीजल की बात करें, आज अगर लेबर की बात करें, कटाई की बात करें, हर चीज़ तो महंगी होगी। और ये तो ऐसा करते हैं जैसे एहसान करना हो इन्होंने। एहसान नहीं है, किसान का हक है, इस पर कमेटी की जरूरत नहीं है। वहीं सेशन में घोषणा करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री। और ये एक जायज मांग है, ये समय समय पर इनके रेट बढ़ते हैं तो क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्यों इस समय को निकाल रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।